समस्त हरियाणा सम्मेलन को लेकर के जींद में पहुंचने के लिए युवाओं में उत्साह है। यहां बादली हल्के से विभिन्न युवा मौजूद हैं। संजय कबलाना की टी शर्ट पहनी हुई है, पीछे लिखा हुआ है भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत। आइए जानते हैं युवाओं से आज इस रैली को लेकर के वे क्या सोचते हैं। हम ये सोचते हैं भाई संजय कबलाना हमारा यहाँ का वो होगा विधायक होगा और दुष्यंत चौटाला हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री होगा। अब युवा साथी में आज भरपूर जोश है, हम इनको एकता को दिखाना चाहते हैं और ये जो पार्टी अब नई बनाई है इसके लिए हम ऐलान करते हैं। और देखा आपने यहाँ दुष्यंत चौटाला को लेकर के युवाओं में उत्साह है। यहाँ संजय कबलाना हल्का बादली की टी शर्ट पहने हुए हैं और पीछे इनके लिखा हुआ है भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। संजय कबलाना की टी शर्ट से विशाल का एक गाड़ियों के काफिले के साथ यहाँ बादली हल्के से यहाँ एक हुजूम चल रहा है। आप देख सकते हैं इस समय यहाँ गाड़ियों का एक काफिला है जिसपे स्टिकर यहाँ बैनर्स लगे हुए हैं संजय कबलाना के। और यहाँ पर इस समय रैली के लिए प्रस्थान किया जा रहा है। हल्का बादली से युवा नेता है संजय कबलाना। गाड़ियों में समर्थकों की ठसाठस भीड़ है और विभिन्न गाड़ियों के जरिए ये प्रस्थान कर रहे हैं जींद में होने वाले समस्त हरियाणा सम्मेलन को लेकर के। यहाँ काफ़ी संख्या में युवा हैं, बुजुर्ग हैं जो इस हल्का बादली से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। युवा नेता है संजय कबलाना। संजय कबलाना के समर्थन में विशाल गाड़ियों का काफिला यहाँ से उनके आवास से स्थित शुरू हो चुका है। यहाँ हजारों की संख्या में गाड़ियाँ हैं और गाड़ियों के साथ यहाँ समर्थकों का हुजूम है। आप देख सकते हैं यहाँ इस समय काफ़ी बड़ी संख्या में गाड़ियों का काफिला है जो जींद के लिए निकल चुका है। यहां से आप कैमरे की नजर से देख सकते हैं। जी 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 भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। जैसे अर्जुन ने दिख रहा था ना, पूरा हरियाणा दिख गया उसकी। अगला मुख्यमंत्री दुष्यंत होगा, लगातार दावे किए जा रहे हैं अगला मुख्यमंत्री दुष्यंत होगा। भीड़ है, काफिला है, जोश है, समर्थकों में उत्साह भी है और लगातार यहां पर गाड़ियों के विशाल काफिले के साथ जींद के लिए प्रस्थान कर रहे हैं दुष्यंत समर्थक हैं। संजय कबलाना के बैनर लगाए हुए हैं गाड़ियों पर। भारी संख्या में यहाँ हल्का बादली से प्रस्थान किया जा रहा है गाड़ियों के काफिले के साथ। आप देख सकते हैं इस समय यहाँ जींद रैली के लिए प्रस्थान किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि जींद के पांडू पिंडारा के ऐतिहासिक मैदान में आज हरियाणा प्रदेश की राजनीति को दशा व दिशा देने का कार्य होगा। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक विशाल बदलाव के संकेत यहां से दिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से यहां युवाओं की भीड़ उमड़ रही है, गाड़ियों का काफिला है, बड़ी भारी संख्या में युवा यहां रैली में शिरकत करने के लिए निकल रहे हैं। इस समय गाड़ियों के विशाल काफिले के साथ आप देख सकते हैं प्रत्येक गाड़ी पर यहाँ संजय कबलाना का पोस्टर लगाया गया है। जी क्या कहना है? दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और दुष्यंत जिंदाबाद, संजय कबलाना जिंदाबाद। दुष्यंत समर्थकों में जोश है, उत्साह है, लगातार जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। यहां गाड़ियों के काफिले के साथ हम आपको दिखा रहे हैं दुष्यंत चौटाला की भीड़ जो जींद की रैली में आयोजित होने वाली इस समस्त हरियाणा सम्मेलन को लेकर के एक विशाल का भीड़ यहाँ से गुजर रही है। इस रैली को लेकर के ऐतिहासिक होने का दावा किया जा रहा है। 500 एकड़ में होने वाली यह समस्त हरियाणा प्रदेश की जो रैली है इसको लेकर के बड़ा उत्साह है। एक विशाल का एक काफिला आप देख सकते हैं गाड़ियों का। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ, हजारों की संख्या में गाड़ियाँ हैं जो जींद के लिए प्रस्थान करने के। हम आपको कैमरे की नज़र से दिखा रहे हैं बादली हल्का से एक लाइव अपडेट है जहाँ संजय कबलाना के समर्थन में हजारों गाड़ियों का हुजूम यहाँ से निकल रहा है। लगातार हम आपको अपडेट दिए जा रहे हैं समाचार कैरी के माध्यम से। यहाँ पर जींद की ऐतिहासिक धरती पांडू पिंडारा में होने वाले इस ऐतिहासिक सम्मेलन को लेकर के यहाँ समस्त युवाओं में उत्साह है और दूर अंतिम छोर तक आपको गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है। ये वो गाड़ियां हैं जो जींद में पहुंचेंगी दुष्यंत चौटाला के समर्थन में। दुष्यंत चौटाला के समर्थन में आज समस्त हरियाणा प्रदेश से, मैं बात करूं बादली हलके की, विशाल काय भीड़, हजारों गाड़ियों का काफिला, युवाओं में जोश है। दुष्यंत चौटाला के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इस समय हम आपको लाइव रिपोर्टिंग दे रहे हैं हल्का बादली से युवा नेता संजय कबलाना के समर्थन में। यहां एक विशाल भीड़ उमड़ पड़ी है और देखते हैं कि 9 तारीख की यह जींद की रैली हरियाणा प्रदेश की राजनीति में कितना बदलाव लेकर के आती है और इस 9 तारीख की जींद की आज की इस रैली का हरियाणा प्रदेश की राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ता है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ समाचार कैरी के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।